जावेद जी, सबसे पहले तो आपके गाने में हमेशा से मेलोडी देखी गई है, इस बार किस तरह का गाना होने वाला है, कुछ गाने के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ऑडियंस को। गाना हो चुका है और गाना बहुत, जैसे मेलोडी की आप बात कर रहे हैं तो मेलोडियस गाना है, बहुत ही रोमांटिक गाना है, पैशन है गाने के अंदर और काफ़ी ड्रामा है गाने के अंदर, जैसे कि सिचुएशन में बताया गया, और बहुत अच्छा गाना कंपोज किया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है गाने का, बहुत अच्छा लगा मुझे गा के। गाना तभी गाने में डाल देते, तो इस बार आपकी तरफ से क्या होता है, कंपोजर जो होते हैं कि वो अपना एक गाने का एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर जब एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है, जैसे सिंगर जब ऐड होता है तो गाना कुछ अलग, थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो जाता है, तो जाहिर बात है कि जब ये गाना मैंने सुना तो एक अलग फ्लेवर था, जब रिकॉर्ड हुआ तो एक अलग, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया थोड़ा सा, तो वही चीज़ है। अब ये बात, इस सवाल का जवाब म्यूजिक कंपोजर ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। कौन से सिचुएशन में आएगा ये गाना? ये ना एक रोमांटिक गाना है, बहुत ही रोमांटिक सिचुएशन है जैसा कि मैंने कहा, और गाने के अंदर ड्रामा है, पैशनेट है काफ़ी, तो सारी चीजें हैं इस गाने के अंदर, और मेलोडी बहुत जबरदस्त है। आप यहाँ आए, गाना भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो ऑडियंस के लिए दो लाइन अगर आप गुनगुना दे दो। ओके। दिल में तेरे इतनी तो होगी जगह, रहने दे मुझको रहने दे, हाँ रहने दे मुझको रहने दे। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहे? इसके अलावा अभी परसों एक फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ है, क्यूट कमीना करके एक फिल्म है आ रही है, तो उसमें एक बहुत अच्छा गाना गाया है मैंने, कृष्णा करके कोई के कंपोजर है, बहुत ही टैलेंटेड। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें इम्तियाज अली जी ने मेरे ख्याल से लॉन्च किया है, वो ट्रेलर लॉन्च किया है, और बहुत वो गाना आप सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त गाना है। इसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर भी मैं काम कर रहा हूँ, फिल्म्स के गाने कुछ रिलीज होंगे। इन दिनों जो है सिंगल का ट्रेंड चल पड़ा है, तो सिंगल में कुछ लॉन्च करने वाले? अगर मैं भी करने वाला हूँ, आई थिंक तैयारी चल रही है अभी, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक विद इन अ फ्यू डेज हम लोग कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे। जब भी गाना गाना होता है तो पहले फिल्म के बारे में बताया जाता है, तो फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ अगर बताएंगे, अगर उनका नाम? एक्चुअली फिल्म के बारे में मैं थोड़ा सा कम बता पाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो डायरेक्टर साहब बताएंगे, लिहाजा ये के है कि ना ये गाना जब सुना तो मुझे रफली एक सिचुएशन बताई गई कि ये गाना थोड़ा सा, इस गाने के अंदर थोड़ा सेक्सी स्टाइल चाहिए और थोड़ा सा रोमांस चाहिए, तो गाने की जो कंपोजिशन होती है वो सारी चीज़ बता देती है, तो गाने की कंपोजिशन, गाने के अरेंजमेंट सुन के मुझे एक आइडिया आ गया कि इस गाने में ये फील आना चाहिए। थैंक यू सो मच अनुराग। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक इस फिल्म की बात है, इसमें हम लोग सस्पेंस को प्रमोट करेंगे, जो जो थ्रू आउट ये जो हमारी फिल्म है ये सस्पेंस थ्रिलर बेस्ड है, और इसके अंदर जो ठीक है जी, मेरा नाम राज ठाकुर है, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, और जहां तक इस फिल्म की बात है, ये फिल्म एक सस्पेंस बेस्ड फिल्म है, जिसे हम मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं। स्टार्ट होती है ये बड़े खास अंदाज में, फैशन बेस्ड है, और काफी सिल्की टच दिया हुआ है स्टार्टिंग इसको, और जो ग्रेजुअली उसमें कुछ ऐसे चीजें आती हैं जिसकी वजह से फिल्म एक ऐसे मोड पे चली जाती है जहां से हर चीज डिस्ट्रक्टिव और डिवास्टेटिंग दिखने लगती है। और जहां तक फिल्म की बात है, इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि एक्शन रोमांस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनको फ्लेवर को इक्वली मिक्स करके कुछ ऐसा प्रपोर्शन तैयार करने की कोशिश की है कि जिससे लोगों का, शुद्ध हिंदी में बोले कि पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसी है कि ट्रीटमेंट वाइज इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच फॉर एवरीवन। आज जो है सॉन्ग रिकॉर्डिंग का मौका था, कागज दिल्ली जी यहाँ पर आए थे, उनके गाने की सिचुएशन बताइए, किस तरह का गाना होने वाला है? जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि जावेद अली साहब के साथ हमें रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। जहाँ तक इस सॉन्ग की बात है, बहुत मेलोडियस ट्रैक है, मेरे डायरेक्टर मिस्टर राज सहगल जी का बड़ा खास चॉइस था वो, और इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, सुना सुनते हमने इसको फाइनल कर दिया। सॉन्ग के बोल जो बड़े प्यारे हैं, बेसिकली जो सॉन्ग है ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बता रहा है जहाँ पे हमारा जो ग्रे शेडेड जो हमारा लड़का है, बेसिकली इज राहुल, और उस फिल्म में जो राहुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके एंगल से ये चीजों को बताया जा रहा है। सिंगल साइडेड लव है, वो इमेजिन कर रहा है लड़की के बारे में, लड़की वहां पर मौजूद नहीं है फिजिकली, बट देन ही वॉन्ट्स हर टू लव हिम, उसे वो प्यार करे,
बहुत सारी कोशिशें करता है बट लड़की कहीं ना कहीं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो उस चीज को लेके है, बट उसकी बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स को, बड़ी अच्छी सी जो सेक्रेट फीलिंग्स हैं प्यार की, उनको वो बताना चाह रहा है इस गाने के थ्रू। नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करूंगा इस फिल्म में। ये मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं एक ऐसी चीज तैयार करूं अपने डायरेक्टर साहब और बाकी टीम के साथ मिलके कि आप सब लोगों को देखने में मजा आए, और आप जो हमें कवर करने आए हैं आप लोगों को मैं थैंक्स बोलता हूं कि आप लोग ने अपना समय निकाला कीमती और हमारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका धन्यवाद। और हम भी ऐसा कुछ करेंगे कि हम अपनी तरफ से विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि आपको ऐसा लगे कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। बाकी देखिए, परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता, सब अच्छी कोशिश करते हैं। हम भी एक बहुत अदद कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने एक बहुत प्रेजेंटेबल सी चीज रख सके जिससे आप सब लोग दोबारा आए हमारे पास। हम आपसे से सारी चीजें नरेट करने का मतलब आपके अंदर एक एक्टर है। नहीं नहीं नहीं, देखिए बेसिकली ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं, मेरी जितनी भी हम, मैं क्रिएटिवली काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ इस फिल्म से, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है बेसिकली। ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ये बच्चा है, हम ये चाहते हैं हम इसको ऑब्जर्वेशन के साथ में इस पे इस तरह से काम कर सकें कि हम लोग बाहर से जो देखेंगे ना वो एक अलग चीज हो जाएगी। अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा एज एन एक्टर, कोशिश करूंगा कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान हट जाएगा उस चीज पे से। अगर बाहर से बैठ के टोटल ये देखूंगा कहां कमी रह गई है, कहां कुछ चीज कम तो नहीं पड़ रही है, तो उस तरफ से मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा। अगर मैं एक्टिंग की तरफ मैं चला गया तो फिर जो चीजें जिस बारे में मैं सोचता हूँ, जो मेरा पॉइंट, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हाय, आई एम अनन्या एंड इस फिल्म में मैं लीड कैरेक्टर नेहा के कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। हाय, मेरा नाम दिव्य रत्न सिंह है और इस फिल्म में समीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो इनके ऑपोजिट है। किस तरह की फिल्म होने वाली है और किस तरह से जुड़े आप फिल्म के साथ आप दोनों? फिल्म तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होने वाली है, होपफुली। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर जैसा राज जी ने बताया, उसमें साथ ही साथ राइट अमाउंट है लव का, रोमांस का, एक्शन का, ड्रामा का। और हम लोग राजी से चला था, उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो हमने ऑडिशन दिए, फिर एक और ऑडिशन दिया, फिर लुक टेस्ट हुआ और फाइनली उनको कहीं ना कहीं लगा कि हम लोग शायद एक कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर पाएंगे, तो उन्होंने चांस दिया। आई हैव डन बंगाली मूवी बिफोर एंड हिंदी में, या दिस इज माय फर्स्ट मूवी। ओके, इसके अलावा जो जावेद अली साहब आए थे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले आप बताइए। दैट इज ऑसम, जावेद अली जी के साथ मतलब इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। एंड अभी तक हम लोगों की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, बट आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट दैट हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा एंड जस्ट लुकिंग फॉर इट। सेम यार, जावेद अली जी के साथ रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, उनके बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं, वी आर फैन ऑफ हिज सॉन्ग, हिज वॉइस, तो बहुत मजा आया। और ऑब्वियसली शूटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, होपफुली इस मंथ हो जाएगी, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अभी वर्कशॉप चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, सब केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, तो होपफुली वी विल हैव फन ऑन द शूट। वेल, मेरा जो कैरेक्टर है समीर, उसका नाम है, इसके तीन चार शेड्स हैं, मैं अभी सब अभी बता नहीं सकता वरना फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो और ऐसे ऐसे शेड्स हैं उसके जो कोई सोच नहीं सकता है कि ये पर्सन, ये कैरेक्टर ऐसे भी रिएक्ट कर सकता है किसी सिचुएशन में, तो वो बहुत एक एक सरप्राइज रहेगा ऑडियंस के लिए, आप सबके लिए, वो फिल्म देखने के भी पता चलेगा। किसी एक सेट का तो नाम बताइए कुछ, रोमांटिक कॉलेज लव पर, बाकी धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। फिल्म का नाम रखा है हमने हंट द शिकार, बेसिकली जोनर की फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर है और एक मॉडल्स के ऊपर स्टोरी बेस कर रही है, मर्डर मिस्ट्री है, तो हंट द शिकार लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है टाइटल, कि कैसे फिल्म का एक नेगेटिव कैरेक्टर उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो गए, किस तरह से उसको हासिल करना चाहता है, मतलब उस शिकार उसका कैसे करना चाहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टाइटल। स्टारकास्ट काफी बड़ी लग रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलें हुई स्टारकास्ट फाइनलाइज करने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि जब मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा कि जब पहली बार प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक तो ये कि इससे पहले आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, दूसरी बात जब आप नयों को लेते हैं और आपके पास चीजें जब कम होती है, बजट जब कम होता है ना, तब अच्छे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो वो तकलीफ ज्यादा आई कि अच्छे लोग भी चाहिए और कम पैसे में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसकी मेकिंग बहुत अच्छी करूं और रिलीजिंग पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करें। बाकी सब चीज़ों के लिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि बस मेरे साथ इतना करना कि हम इसकी मेकिंग अच्छी कर लें और रिलीजिंग बहुत अच्छी करें, ताकि सबको बेनिफिट मिले इसका। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप
टेलीविजन की दुनिया से फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं, बिल्कुल, तो किस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर हैं, अपने आप को कैसे इतना देखते हैं? सर सच बात तो ये है कि मुझे हर इंसान बड़े पर्दे के बारे में मतलब उसी की वजह से आता है और वही करता है, तो मैं भी परेशान था कि छोटे पर्दे से मैं कब निकलूं, मुझे मौका मिले और बड़े पर्दे की तरफ मैं पहुंचूं, क्योंकि सब आखिर वहीं जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने सीरियल भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, बीच में एकदम ड्रॉप कर दिया, थोड़ी सी तकलीफ। कुछ हासिल तभी होगा जब आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो रिस्क लेना मेरे लिए ज़रूरी था। एक गैप किया मैंने लंबा अपने काम में सीरियल के, और फिल्म के पीछे पूरी तरह से जुट गया मैं। तो कब तक आप जाना चाह रहे हैं इसमें? 27 मार्च या फिर फर्स्ट वीक, वेरी अर्ली। थैंक यू। वालों में रोमांटिक जो सर बताएंगे वही हूँ मैं। एक सेकंड लड़का सेकंड लीड कैरेक्टर है, उसी में एक रोमांटिक कैरेक्टर है जो कि कहानी के साथ आगे, हीरोइन की परेशानी है जो लाइफ में, उसका एक कपल फ्रेंड है, तो उसी में इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसके साथ में रहते हैं आखिर तक, कैसे तकलीफों में उसका साथ नहीं छोड़ते। और फिर एक जॉली मूड भी चाहिए फिल्म में ना, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो फिल्म को हल्का फुल्का बनाते हैं, तो ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो पूरी फिल्म को हल्का फुल्का बनाते हैं, कि जो भारी हो जाता है, भारीपन आएगा, टेंशन होगी, उसको ये लोग बड़ा नॉर्मल लेके चलते हैं, इस तरह का कैरेक्टर है। और बाकी सुहानी सुपर मॉडल का जी, मेरा इसमें जो किरदार है वो एक टॉप मॉडल का है, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको प्ले करने के लिए, एंड सो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी फॉर द कैरेक्टर। और प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है अपने किरदार को लेकर? ऑब्वियस सी दिस इज नॉट माय लाइक फर्स्ट रैम शोज, और आई हैव डन लोड ऑफ मैनी शोज इन द रैम, या सो आई एम कूल, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डू दैट। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हूँ जो इवेंचुअली बाद में नेगेटिव हो जाता है। स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को देख के मजा आएगा। ज्यादा स्टोरी तो मैं अभी बता नहीं सकती, वो आप रिलीज के टाइम ही देखें। किरदार को लेकर किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है? जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है, तो प्रिपरेशन अभी किया नहीं है, प्रिपरेशन अभी धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डेब्यू मूवी है, तो 100% करेंगे। हाय, माई सेल्फ सरुण चौधरी, मैं इसमें नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। जैसे बॉस ने बताया, राज भाई साहब ने कि शिकारी, वो शिकारी मैं ही हूँ। और क्या प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि हमने आपका लुक तो देखा शिकारी टाइप लग रहा है, इसके अलावा क्या प्रिपरेशन चल रही है? प्रिपरेशन जैसा आदेश दे रहे हैं बॉस, उसी अनुसार चल रही है। ऐसे तुम लड़कियों के साथ खेलते हो, इसका मतलब सचमुच में खेलने लग जाना, मतलब वैसे प्रिपरेशन बताओ कि क्या चल रही है। एक्चुअली मैं कैरेक्टर को लेकर पूरा जिस तरह का लुक, जिस तरह का जो परफॉर्मेंस चाहिए, उसी की मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट 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 दूँ। हाँ, हर दिन वर्कशॉप्स में इनको मांझा जा रहा है अच्छे तरीके से, 5-5 घंटे इनको रगड़ के प्रैक्टिस कराई जा रही है कि बॉस उस वक्त जिस टाइम पे परफॉर्मेंस के वक्त आएगा तो पीक टाइम पे आपका पीक परफॉर्मेंस निकलना चाहिए, सो इस टाइम ग्रिलिंग चल रही है। मैं अक्सर ना, मैं डंडा, टेबल, कुर्सी, बहुत सारी चीजें लेके रखता हूँ, हैक के मारता हूँ बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल अच्छा काम होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, कंफर्म हूँ। जितने डेडली यहाँ लग रहे हैं उससे ज्यादा स्क्रीन पे लगेंगे, आई कैन प्रॉमिस यू ऑल दैट। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने अपने नाम के साथ और क्या किरदार निभाने वाले हैं। एक एक बोलो। एक्चुअली मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मेरा जो रोल है वो नेगेटिव है, नेगेटिव रोल है, और जो कोई बात मर्डर का रोल है। मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मेरा जो कैरेक्टर है वो मर्डरी का रोल है, ठीक है, तो उसमें जो मेरा रोल है ना वो एक तरीके से मतलब सस्पेंस वाला रोल है, वो आपको डायरेक्टर सर बता देंगे जो भी है, और राज भाई जैसे कि आपको बता देंगे मेरे बारे में, और सबसे ज़्यादा मैं अपना जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो राज सर को करना चाहता हूँ जो हमारे डायरेक्टर हैं, और राज भैया को भी करना चाहता हूँ, उन दोनों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। एवरीबडी, माई सेल्फ सौमेंद्र दास, तो मैं एक इस फिल्म में एक नकारात्मक भूमिका निभा रहा हूँ एक्चुअली, तो इस पे किरदार ऐसा है कि जो मेन शिकारी हैं हमारे मिस्टर श्रवण, उनको मैं असिस्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर है, और इस पे और ज़्यादा चैलेंज मुझे दे दिया मिस्टर राज ने एक्चुअली, उन्होंने कुछ स्पेशल गेटअप दे रहे हैं,
तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, मैं इसी तरह का चाहता था और मुझे मिला। और थैंक गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड राज सर कि उन्होंने कम्फर्टेबली मतलब ये मेरे से धीरे धीरे काम ले रहे हैं और ये मौका दिया। और मैं कहूँगा कि एक थे राज कपूर सर और एक हैं राज सहगल सर, यही मैं कहूँगा। एंड वेरी फाइन डायरेक्टर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बींग एंड ही मेक्स द आर्टिस्ट कम्फर्टेबल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, फिल्म का म्यूजिक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का म्यूजिक और मतलब पूरे गाने कैसे होंगे, किस तरह से रिलेट करेंगे फिल्म को? देखिए जिस तरह की ये फिल्म है, राज सहगल जी की फिल्म जो है, उसमें म्यूजिक का राज सहगल जी को बहुत अच्छा सेंस है, तो ऑब्वियसली गाने जो होंगे बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि राज सहगल जी को म्यूजिक से बड़ा लगाव है। उसी तरह से हम लोगों ने कोशिश की है अच्छा म्यूजिक बनाने की, और जिस तरह से उन्होंने हमको नरेट किया था सिचुएशन आज के गाने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है। और इसमें एक गुजारिश है, जो फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है वो अपनी महबूबा से गुजारिश कर रहा है, तो उसमें वो गुजारिश वाली जो बात है वो राणा जी ने बखूबी उसको दर्शाया है, बहुत अच्छा लिखा है सुरेश राणा जी ने, और उसी तरह से मैंने उसको कंपोज किया और जावेद भाई ने उसी तरह से उसको बहुत ही मेलोडियस तरीके से गाया हुआ है, तो बहुत अच्छा गाना बन पड़ा है। बाकी आप लोगों को देखिए पसंद आता है। आप बताइए आप किस तरह से हिस्सा बनाए फिल्म के म्यूजिक का? जी हमारे पास प्रपोजल आया था अमित जी का कि ऐसा ऐसा एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, राज जी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशंस मिली थी सॉन्ग्स की जो कि बहुत ही बेहतरीन, और इसमें कोई शक नहीं कि राज सर का जो म्यूजिक सेंस है बहुत अच्छा है। आई होप जिस हिसाब से ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है उसको देखते हुए जिस हिसाब से म्यूजिक का सिलेक्शन हुआ है माइंड ब्लोइंग, और जितने भी गाने बनेंगे आई होप कि आप लोग सब इंजॉय करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और उसका म्यूजिक और भी ज़्यादा बेहतरीन है। जैसी सिचुएशन हमें दी गई थी, जैसी उसकी कंपोजिशन थी अमित जी ने बनाई थी, उस हिसाब से मैंने गीत लिखे हैं, तो उम्मीद है कि सभी को पसंद आएगा और बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्माया जाएगा। एक्चुअली इस फिल्म की स्टोरी आइडिया जो है किसी और की है, इस फिल्म को लिखा है किसी और ने, इसका जो स्टोरी बेस है प्रेम कॉन्सेप्ट कंटेंट सर का है और एक और लड़का है प्रेम नाम है उसका, उसकी राइटिंग है। मुझे इसमें सर ने, सर को थैंक यू बोलूंगा, सर ने मुझे इसमें स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के लिए रखा है। और अगर हम फिल्म के बारे में बताएं तो इस कंटेंट पे, इस आइडिया पे अब तो बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, पर जितनी भी आई हैं वो एक्चुअली वो जो बिहाइंड द फिल्म एक सही कहानी होती है ना, अभी तक नहीं दिखाया गया। हम इस फिल्म को एक अलग अंदाज में लेके आ रहे हैं, लोगों को पता चले कि बिहाइंड द फेम एक्चुअल मिडिल क्लास की का कोई कपल अगर फेम के पीछे जो चल रही है साजिश उसमें फंस जाता है तो किस तरीके से निकलता है। बॉलीवुड मॉडलिंग इन सब के पीछे एक जो असल कहानी है जो अभी तक समाज और पब्लिक के सामने नहीं आई है वो हम लोग लेके आए। और मैं अफजल के बारे में कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट कोई भी हो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा स्क्रीन पे डायलॉग अफजल करे, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। आप आने वाले समय में देखिएगा अफजल रजवी और राज सहगल के कॉम्बिनेशन में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे ना, स्क्रीन प्ले में बहुत कमाल है और मैं इसका फैन हूँ, इसके लिए मैं स्क्रीन पर डायलॉग इससे कर रहा था कोई भी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। सर आप फिल्म के साथ किस तरह से जुड़े हैं कुछ बताइए इस बारे में? राज सहगल जो फिल्म के डायरेक्टर हैं मेरे कम से कम 12-13 साल पुराने दोस्त हैं। पहले हमने उस टाइम एक फिल्म की थी और उनका एक मेरे से वो था कि जब भी वो एज ए डायरेक्टर काम करेंगे तो मैं उनके साथ कोरियोग्राफी करूंगा, तो अभी उनको फिल्म मिली है तो मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कब से स्टार्ट होने वाली है फिल्म, कुछ बताइए इस बारे में कि कब से फ्लोर पर आ जाएगी? हाँ फिल्म जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद होली के दो दिन के बाद हम फ्लोर पर जा रहे हैं और पूरी फिल्म शायद गुजरात में शूट कर रहे हैं। गानों के लिए शायद हम नैनीताल या